एंड यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है, टीवी देखना हो जो कार्ड है इसी से तुम्हारे जो डोर्स हैं वो खुलते हैं, सो खुलेंगे नहीं तो निकलते हैं फटाफट यूनिवर्सिटी से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 13th ऑफ अगस्त एंड आज मैं जा रहा हूँ यूनी अपना सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करने। सो टुडे इज़ माय फर्स्ट डे फॉर माय यूनिवर्सिटी। सो आई विल शो यू गाइस कि मैं कैसे यहाँ से जाता हूँ। सबसे पहले मैं लूँगा बस एंड देन लूँगा स्काई ट्रेन। यहाँ से बस में पहुँचूँगा स्कॉट रोड स्टेशन एंड स्कॉट रोड स्टेशन से जाके उतरूँगा स्टेडियम चाइनाटाउन। सो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। कुंडी लग गई है और लॉक लगा रही है रूम को। अब चलते हैं, वॉक करते हैं। यहाँ से 5 मिनट्स की वॉक है स्टॉप के लिए जो बस स्टॉप है, एंड देन उसके बाद बस लेंगे एंड देन स्कॉट रोड स्टेशन पहुँचेंगे। प्लेजेंट वेदर है आज, अभी सुबह धूप निकली है। पहले धूप नहीं निकली हुई थी, सुबह ठंडा सा था मौसम और अपने वो पहले जैसी जो गर्मी थी यहाँ पर वो चली गई है। अब ठंडा हो रहा है मौसम। टाइम हो गया है 4:40, टाइम ऊपर हो गया, आई शुड प्रोबेबली रन। सो फाइनली बस से अभी ना उतर गया हूँ और ना बस में पूरा रश था, शूट नहीं कर पाया तो मैं 4:45 पे निकला था एंड इट टुक मी अराउंड 15 मिनट्स। एंड 15 मिनट्स में मैं अपना स्कॉट रोड स्टेशन पहुँच गया। अभी दिखाता हूँ आपको स्कॉट रोड स्टेशन, एंड स्कॉट रोड स्टेशन से मैं यहाँ से लूँगा स्काई ट्रेन एंड आई गेस मेरे को 40 मिनट्स लगेंगे स्काई ट्रेन से स्टेडियम चाइनाटाउन पहुँचने में। सो आई शो यू, मैं स्कॉट रोड स्टेशन एंटर हो रहा हूँ। राइट, तो स्टेडियम चाइनाटाउन उतर गए हैं एंड यहाँ से लेंगे 5 मिनट्स की वॉक एंड ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 10 मिनट्स रह गए क्लास शुरू होने को और अभी 5 मिनट की वॉक लेके पहुँचना है यूनिवर्सिटी के लिए। सो मेरे पीछे जो देख रहे हो वो स्ट्रीट क्रॉस करके हमने पहुँच जाएंगे FDU। सो 2 मिनट ऑलरेडी मैं वॉक कर चुका हूँ एंड 3 मिनट्स की वॉक रह गई है एंड उसके बाद हम पहुँच जाएंगे यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जाके सीधा दिखाता हूँ आप लोगों को। और जो वैंकूवर में बसेज होती है ना वो ऐसे कनेक्टेड होती हैं ऊपर, मतलब इलेक्ट्रिक बसेज होती हैं ऐसे जैसे आप देख रहे हो। सो ये सारा सिस्टम ऐसे कनेक्टेड रहता है एंड मोस्टली जो बसेज हैं वो ऐसे कनेक्टेड ही होती हैं जैसे आप देख रहे हो। एंड बाकी जैसे सरी वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली चलती है, मतलब ऐसे वायर्स नहीं है। सो वैंकूवर में ऐसे इलेक्ट्रिक बसेज मिलती है, तो ये आप लोगों को बताना था एंड ये शायद मैंने बस वाले वीडियो में भी नहीं बताया। सो हियर इज़ द पॉइंट, यूनिवर्सिटी एंटर होने के लिए अपना जो स्टूडेंट आईडी कार्ड है वो चलता है। सो स्टूडेंट आईडी कार्ड को हम यहाँ पे। सो फाइनली जो है लेक्चर वो ख़त्म हो गया है एंड ये जो पीछे देख रहे हो ना ये है स्टूडेंट एरिया। सो अभी जा रहे हैं घर एंड क्लास बहुत अच्छी रही। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की थी ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर एंड मेरी 3 क्लासेज हैं वीक में। ये सारी चीज़ें घर जाके बताता हूँ। अभी चलते हैं घर क्योंकि टाइम हो रहा है 8:30 एंड आराम से घर जाके खाना खाते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है ऑलरेडी। सो घर चलते हैं। सो ये सारा जो है वो स्टूडेंट एरिया एंड यहाँ पे है एनरोलमेंट सर्विस। ठीक है, अभी तो जैसे टाइम देख रहे हो रात के 8:40 हो रहे हैं। ठीक है, मतलब ये चले जाते हैं शायद 8 o'clock एंड वहाँ पे अभी क्लासेस लग रही थी। ये सारा स्टूडेंट एरिया है एंड जो यहाँ पे क्लासेस लगते हैं ना, मैं दिखाता हूँ आपको जो यहाँ पे क्लासेस लगती हैं। सो बाहर ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं सो रूम के भी एंड ये तो जैसे टीचर्स के हैं, जैसे डायरेक्टर ऑफ एनरोलमेंट सर्विसेज। सो ये सारा कॉरिडोर है यहाँ पे, जैसे आप चेक कर सकते हो 838 हो रहे हैं, क्लास रूम नंबर 211 रूम अवेलेबल। इसको क्लिक करो, मतलब जो आपका स्टूडेंट कार्ड है, जैसे ये स्टूडेंट कार्ड है इसको टैप करो, यू कैन गो इनसाइड। राइट, एंड देन ये भी एक रूम है एंड ये अगेन कंप्यूटर रूम है एंड कंप्यूटर रूम में तुम वेब कैंपस को असेस कर सकते हो एंड यहाँ पे ये लाइब्रेरी भी है। सो ये शॉर्ट सा कैंपस टूर दे रहा हूँ, वैसे प्रॉपर कैंपस टूर भी लेके आऊँगा। एंड एक और चीज़,
यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन भी है, जो प्रिंटिंग मशीन है वो चलती है तुम्हारे स्टूडेंट कार्ड से। सो मैं दिखाता हूँ, जैसे ये स्टूडेंट कार्ड है, इसको यहाँ पे करेंगे टैप और ये होगी ऑन। सो प्रिंट प्लीज, कुछ भी कमांड दे दो कंप्यूटर्स में उधर, एंड उसके बाद तुम्हें यहाँ पे मतलब ऑप्शन को क्लिक करना है, कोई भी प्रिंट करना है, चाहे फोटोकॉपी करनी हो चाहे प्रिंट आउट निकालना हो। सो इसमें आई गेस एफडीयू बाय डिफॉल्ट $10 होते हैं, एंड आई गेस तुम 100-200 पेजेस प्रिंट कर सकते हो, ऐसा कुछ है, डोंट कोट मी ऑन दिस, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट तुम प्रिंट कर सकते हो। एंड तुम्हारा जब तुम प्रिंट कर लो तो तुम्हारे रिमेनिंग बैलेंस वो यहाँ पे प्रिंट इसमें मशीन पे शो हो जाता है। सो अभी मैं इसको कर देता हूँ लॉग आउट, अदरवाइज कोई और यूज़ कर लेगा। एंड दैट्स प्रीटी मच, सुंदर सा कैंपस है, छोटू छोटू सा ये वाला, ये जो है ये है कैम्बी वाला, जो जॉर्जिया वाला वो वे वे मच बेटर है। अभी मैं निकल रहा हूँ यूनिवर्सिटी से, क्योंकि जो 8:50 के बाद, आई गेस 9 PM के बाद जो स्टूडेंट आईडी कार्ड है वो चलना बंद हो जाता है। एंड इस कार्ड की वजह से, एक मिनट, ये जो कार्ड है इसी से तुम्हारे जो डोर्स हैं वो खुलते हैं, सो खुलेंगे नहीं, तो निकलते हैं फटाफट यूनिवर्सिटी से। सो अभी ले रहे हैं एग्जिट, ठीक है, यूनिवर्सिटी से। वहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट खड़े, तो मैंने वीडियो शूट नहीं करी, ठीक है, तो बातें बुतें कर रहे थे। एंड ये है रिसेप्शन एरिया, एंड यहाँ से लेनी है हमने एग्जिट। सो अभी टाइम हो रहा है 11:30, एंड हमें घर पहुंचना था। मैंने जैसे मैंने बोलता मैं कि घर जा रहा हूँ, बट हम लोग घर गए नहीं थे, हम लोग चले गए थे कुछ खाने पीने, एंड अब खा पी के जा रहे हैं घर। सो ट्रेन आ गई है, ट्रेन में बैठ रहा हूँ, एंड प्रोबेबली पूरी भरी हुई, क्योंकि रात का टाइम है तो सारी ट्रेन जो है वो पूरी ऑक्यूपाइड ही होती हैं। सो घर जाके डेट बात करता हूँ, बाय। सो फाइनली मैं घर पहुंच गया था, एंड घर आकर मैंने सो गया था, एंड ये अगले दिन शूट कर रहा हूँ। सो मैं आपको बता दूँ, जो मैंने सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट किया, इसमें मेरे पास 3 courses हैं, मतलब मेरे पास 3 subjects हैं एक तरह से, ठीक है, मतलब मेरे कोर्स के मास्टर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के मेरे पास 3 subjects हैं इस टाइम। सो ऐसे तो आप लोगों को नहीं पता लगेगा, बट एक है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, एक थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, और एक एथिक्स है। सो ये 3 जो मेरे को सब्जेक्ट्स मैंने चूज़ किए हैं, कोर्स चूज़ किए हैं मैंने, ये सारे ही 3 credits के हैं, एंड टोटल मिला के मेरे को हर सेमेस्टर में 9 credits चूज़ करने होते हैं। सो ये था मेरा आज का फर्स्ट डे FDU का, जिसमें मेरी क्लास थी वो कैम्बी स्ट्रीट पे थी, ठीक है, मतलब हमारे जो FDU कॉलेज है उसके 2 campuses हैं, ठीक है, एक जॉर्जिया पे है और एक क्या कहते हैं अपना कैम्बी पे। सो फर्स्ट सेमेस्टर में मोस्टली जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है सबकी क्लासेज ना जॉर्जिया में होती हैं, बट अब ये लोग चेंज कर रहे हैं, कई क्लासेज जॉर्जिया में होती हैं, कई क्लासेज कैम्बी में होती हैं। सो जो FDU वाली वीडियो है कि उसमें सारा एक्सप्लेन करूँगा, मतलब FDU का कैंपस टूर भी लेके आऊँगा, उसमें भी पता लग जाएगा आपको कि कैसे कैसे देखना होता है। एंड एक और चीज़, मैं ना उधर स्काई ट्रेन स्टेशन जब पहुँचा था, रिकॉर्ड कर रहा था, ये वीडियो एंड होगी ना उसके बाद जो पोस्ट क्रेडिट सीन होता है उसमें देखना, मैंने रिकॉर्ड किया था, बट बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। सो आई गेस वो मैं जो स्काई ट्रेन वाली वीडियो बनाऊंगा उसी में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आई गेस मैंने अपना फर्स्ट डे जो मेरा FDU का था वो मैंने शेयर कर दिया, ऑल तो 2-4 दिन हो गए हैं, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो आ रही है, ठीक है, काफ़ी टाइम, मतलब मेरा फर्स्ट डे था, उसके काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो अपलोड करूँगा। सो ये था मेरा फर्स्ट डे एट FDU, एंड और कोई आप लोगों को डाउट हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। 3 महीने हो गए मेरे को, और मैं कोई नहीं पता कि प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है, तो प्लेटफॉर्म नंबर तो वो नंबर 1 ही है जो